हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है, उसमें एलएमपी और ईडीडी जो लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो ये आप घर पर भी पता कर पाएंगे। तो जो एलएमपी होता है, जिसे हम कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी आपने कंसीव की उसके जस्ट पहले जो लास्ट बार आपका महीना आया होगा, तो लास्ट बार जो महीना आया होगा उसकी वो तारीख लिखी रहती है उसमें। जैसे आपका मान लो 1 जनवरी को पीरियड आया था, तो आपका उसके बाद आपको महीना नहीं आया क्योंकि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो वही जो लास्ट बार आपका महीना आया था वही तारीख उसमें लिखी रहती है कि आपका किस तारीख को लास्ट बार महीना आया था, तो वो तारीख उसमें लिखी रहती है। उसके बाद लिखा रहता है कि ईडीडी। ईडीडी का क्या मतलब होता है? ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब संभावित प्रसव की तिथि, मतलब आपका जो प्रसव है, आपकी डिलीवरी है किस महीने में किस तारीख के आसपास होगी। तो जो डॉक्टर आपको कई बार तारीख निकाल के देता है कि आपकी इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, या अल्ट्रासाउंड में कहीं लिखा है कि इतनी तारीख को आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो वही होती है ईडीडी, जो आपकी संभावित तिथि होती है वही होती है, वही डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बता देता है आपकी एलएमपी से। तो एलएमपी से ईडीडी कैसे निकालना है, ये आप घर पर भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालना वो हम आपको बताते हैं। तो आपका जो भी लास्ट बार महीना आया था, मान लो आपने 1 जनवरी बताया है, आपका महीना 1 जनवरी को आया है, तो अब आपको 9 महीने पूरे जोड़ लेने हैं। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी को 1 महीना हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को आपके 9 महीने पूरे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, उसमें 7 दिन और जोड़ देने हैं। जब आप 7 दिन जोड़ देंगे तो आपका जो भी गर्भावस्था का समय है वो पूरा हो जाता है, वो पूरा होता है 9 महीने 7 दिन का। तो आपको 9 महीने उसमें 7 दिन और जोड़ देने हैं, तो मतलब आपका अक्टूबर को 8 तारीख आपकी संभावित तिथि बनती है। तो इस तरीके से आप घर पर भी ये निकाल सकते हैं, 9 महीने और 7 दिन जोड़ने हैं आपको, उससे आपकी ईडीडी निकल आएगी, मतलब डिलीवरी की डेट निकल आएगी कि आपकी इस तारीख के आसपास आपकी डिलीवरी होनी है। तो इस तरीके से आप घर पर भी निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।